Hi everyone. I hope सभी ने previous video cover की होगी. Today on my topic is array. इस वाली video में हम cover करेंगे array. तो array basically होते क्या हैं? Array is a collections of similar data type. Array is a variable. Array एक ऐसा variable है that can store multiple value. ये store करता है multiple value को. For example, if you want to store 100 integer, suppose आप store करना चाहते हो 100 integers. तो यू कैन क्रिएट एन एरे फॉर इट. तो आपको बनाने पड़ेंगे इसके लिए एरे. तो एरे आर द ड्राइव डाटा टाइप. एरे किस टाइप का डाटा टाइप है? ड्राइव डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एरे किस टाइप का डाटा टाइप है. तो एरे हमारा कैसा डाटा टाइप है? ड्राइव डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. विच कैन स्टोर द परमिटिव टाइप ऑफ डाटा. परमिटिव टू टाइप के डाटा होते हैं, एक परमिटिव एंड नॉन परमिटिव डाटा. परमिटिव डाटा टाइप वो होते हैं जो प्री डिफाइंड होते थे, इंटीजर, कैर, डबल, फ्लोट. तो एरे के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवाते हैं किस टाइप की, जैसे इंटीजर की, कैर की, डबल की, फ्लोट एक्सेट्रा. इट आल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी. इट आल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी. इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है टू स्टोर द कलेक्शंस ऑफ ड्राइव डाटा टाइप सच जैसे पॉइंटर, स्ट्रक्चर. एरे के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो हम डाटा को स्टोर करते हैं कलेक्शंस ऑफ ड्राइव डाटा टाइप सच जैसे पॉइंटर, स्ट्रक्चर. इस टाइप के हमें जो भी वेरिएबल को स्टोर कराना होता है, डाटा टाइप को स्टोर कराता है, वो हम एरे के अंदर स्टोर कराते हैं. एरे इज द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर. एरे एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है वेयर ईच डाटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर. एरे के में हम जो डाटा को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर. एरे में डाटा जो भी स्टोर होता है वो इंडेक्स नंबर के थ्रू स्टोर होता है. अभी मैं ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूँगी क्या इंडेक्स नंबर होते हैं, किस तरीके से हम डाटा को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से वैल्यू स्टोर होती है. तो बेसिकली अभी जैसे इस वाली स्लाइड में हमने बताया कि एरे, एरे का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ सिमिलर डाटा टाइप. एरे के अंदर हम स्टोर करते हैं मल्टीपल वैल्यू को. एरे कैसे टाइप का डाटा टाइप है? हमारा ड्राइव डाटा टाइप. एरे के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं डाटा की वैल्यू परमिटिव टाइप में, जैसे कि इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट. बट नॉन परमिटिव, ठीक है, ये नॉन परमिटिव दो टाइप के डाटा टाइप होते हैं, परमिटिव एंड नॉन परमिटिव. परमिटिव डाटा टाइप वही जो प्रीडिफाइन होते हैं और नॉन परमिटिव जो हम खुद डिफाइन करते हैं. तो हाउ टू डिक्लेयर एन एरे. एरे को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहले जब भी हम एरे को डिक्लेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं डाटा टाइप, देन एरे का नेम, देन यहाँ पे देते हैं एरे का साइज. जैसे एग्जांपल हमने डाटा टाइप क्या लिया है इसका? फ्लोट. ये क्या है? एरे का नेम. और इसके अंदर हमने क्या दे दिया? साइज. तो हेयर वी डिक्लेयर एन एरे. हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ एरे. मार्क्स इसका नाम है और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप. इसका डाटा टाइप क्या रखा है हमने? फ्लोट. तो एंड इट्स साइज. इसका साइज कितना है? 5. मीनिंग इट कैन होल्ड 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. इसका मतलब है कि आप 5 वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट साइज एंड द टाइप ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज. ये इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि हम एरे का जो भी साइज देते हैं उसे हम चेंज नहीं करते वंस इट डिक्लेयर. अगर आपने एक बार इसे क्या कर दिया है? डिक्लेयर कर दिया. तो बेसिकली एडवांटेज क्या है सी के? कोड ऑप्टिमाइजेशन, लेस कोड टू द एक्सेस द डाटा. कोड ऑप्टिमाइजेशन है, आप लेस कोड में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. इजी ऑफ ट्रैवर्सिंग बाई यूजिंग. इसमें हम जब भी डाटा को इंसर्ट करते हैं या हम कुछ भी इंसर्ट करना है या एक्सेस करना है वैल्यू या कुछ भी हमें करना है डाटा के अंदर, एडवांटेज अंदर बाई यूजिंग हम इसमें लूप के थ्रू करते हैं. वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट. हम इसमें डाटा जो रिट्रीव करते हैं वो ईजिली हो जाता है इसके अंदर, बिकॉज क्योंकि हम इसमें लूप के थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं? इसमें एक्सेस करते हैं. इजी ऑफ सॉर्टिंग. इसमें हम सी मतलब एरे के थ्रू हम सॉर्टिंग कर सकते हैं. सॉर्टिंग लाइक जैसे कि हमने नंबर डाले हुए हैं कुछ भी अपने हिसाब से, तो उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, वो भी हमारा इसमें ईजी होता है. टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एरे वी नीड ए फ्यू लाइन ऑफ कोड. हमें कुछ भी एरे को सॉर्ट्स करना है तो हम फ्यू लाइन में इसको हम बहुत जल्दी से सॉर्टिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस. वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे. इसमें हम रैंडमली किसी डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं. रैंडमली में लाइक जैसे कि मैंने कुछ 5 वैल्यू डाले, अगर मैं चाहती हूँ 3rd वाली को एक्सेस करना चाहती हूँ 3rd कर सकते हैं, अगर मैं चाहती हूँ 4th वाली तो 4th वाली. ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पहले 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है. आप रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं. एक्सेसिंग एरे एलिमेंट. हम एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको एक्सेस कैसे करते हैं? यू कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ एरे बाई इंडेसिस लाइक दिस. तो सबसे पहले हमने एक अभी बनाया बताया था, जैसे मैंने एक एरे डिफाइन किया हुआ था. हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ, जैसे ये इंट
इस तरीके से ये हमने एक ले लिया 5, तो इसका मतलब है हम इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का लिया है तो मीन्स क्या कर सकते हैं, 5 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बना रखा है, ये इस तरीके से बना सकते हैं, हमने ये इंटीजर मार्क्स, हम 5 वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हमने इसमें दे दिया साइज। तो इंटीजर्स का टाइप है, मार्क्स मेरा है क्या है इसका नेम है, और मैंने इसके अंदर कितना दे दिया है, इसके अंदर 5 वैल्यू हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। तो जैसे इसमें मार्क्स 1, तो इसमें जो भी एरे के अंदर स्टोरते हैं बाय इंडेक्स नंबर, तो ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड 5, बट यहाँ मैंने 5 लिखा है तो इसके अंदर स्टोर होगी वैल्यू, क्योंकि एरे स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 इंडेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो मतलब इसमें आप वैल्यू को स्टोर करा सकते हो कितनी, 0 to 5, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4th इंडेक्स, ये मेरा हो गया 5। तो इस तरीके से आप वैल्यू को कितने को स्टोर करा सकते हैं, 5, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था हमें से 5, तो अगर मुझे 6 वैल्यू को स्टोर कराना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 6, तो मतलब 0 से लेके 5 तक, क्योंकि ये एक कम हमारा माइनस, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, अगर मुझे इसमें वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे ये किस तरीके से करना होगा, मुझे इसमें लूप चलाना होगा। देन अभी मैं ये कवर करूँगी इसको एग्जांपल के साथ। तो एरे जो स्टार्ट होता है 0 से होता है, ना कि 1 से। इन दिस एग्जांपल जैसे हमने भी देखा था, मार्क 0 एज द फर्स्ट एलिमेंट इफ द साइज ऑफ एरे इज एन, लाइक जैसे अगर आपके एक एरे का साइज, मैंने जैसे 5 लिखा था, कितना भी साइज, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, इफ द साइज ऑफ एरे इज एन टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट एन माइनस 1 इंडेक्स, अगर मैंने मार्क्स 5 लिखा था तो ये चलेगा 0 to 4, अगर मैंने मार्क्स 6 लिखा तो चलेगा 0 to 5, तो हमेशा n माइनस 1 इंडेक्स इज यूज। इन दिस एग्जांपल जैसे कि मार्क्स 5, तो ये सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस मार्क्स 0 इज, तो क्योंकि हमने इंटीजर टाइप में लिया हुआ है तो सपोज द एड्रेस ऑफ मार्क्स 0 इज, इसका एड्रेस होगा बाय डिफॉल्ट 2120, द नेक्स्ट एड्रेस कितना होगा मार्क्स 1 का 212, क्योंकि इंटीजर होता है, इंटीजर कितने बाइट का होता है, अगर मैं बात करूँ टर्बो में तो वो मेरे कंपाइलर में यूज़ होता है 2 byte, तो ये इसका एड्रेस 210 होगा मार्क्स 0 इंडेक्स का, मार्क्स 1 का होगा 212, एंड जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके वाले एंड इंडेक्स का एड्रेस होगा 212 एंड सो ऑन। दिस इज द बिकॉज साइज ऑफ इंटीज 2 byte फॉर टर्बो सी कंपाइलर, बट 4 byte में ये डिफरेंट होगा, क्योंकि 4 byte में 4 byte जो यूज़ होता है किसके अंदर, जैसे हम यूज़ करते हैं कोड ब्लॉक में, बट इंटीजर की बात करूँ अगर मैं टर्बो में तो ये लेता है 2 byte। सबसे पहले हम एरे को इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं, एरे को हम इनिशियलाइज करते हैं इस तरीके से, लाइक हमने क्या लिया है एक डाटा टाइप मार्क्स इसमें 6, तो ये चलेगा 0 to 5, तो 0 इंडेक्स पे हमने इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं, एक तरीका तो ये, या तो हम ऊपर ही इनिशियलाइज करा दें 19, बट ये ब्रेसेस स्टार्ट होती है, ये ब्रेसेस क्लोज होती है, देन सेमीकोलन 19, ये 0 इंडेक्स पे जाएगी, ये 1 इंडेक्स पे जाएगी, ये 2 इंडेक्स पे, 3, ये 4, ये 5, क्योंकि हमने बोला था ये एन माइनस 1 तक ही चलेगा, तो यू कैन ऑल्सो इनिशियलाइज एन एरे लाइक दिस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे साइज दे दो, अदरवाइज आप साइज तो विदाउट साइज भी दे सकते हो, अगर साइज नहीं देते हो तो बाई डिफॉल्ट जितने आपने इसमें इनिशियलाइज किए होते हैं ये उतना ही साइज ले लेता है। तो एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, अब मुझे एक्सेस करने हैं तो मैंने 0 इंडेक्स पे 19, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये एंड 5th पे ये, ये मैंने क्या करा है, ये हमने वैल्यू इनिशियलाइज कराई थी, अब उसको ये एक्सेस क्या करवा, हम एरे पे क्या करवा रहे हैं, वैल्यू को डलवा रहे हैं। तो मार्क्स 0, मार्क्स 0 जो हमारा मार्क्स है 0 पे, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 19, 1 पे कितनी है 10, 2 पे कितनी है 8, 3 पे कितनी है 17, 4 पे कितनी है 9, 5 पे कितनी है हमारी 15, इस तरीके से हमने इसके अंदर हेलो। अब मुझे जब एक्सेस करनी है तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करके परसेंटेज डी मार्क्स 0
प्रिंट ऑफ करके अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखती हूँ, मार्क्स 3 लिखा, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा? तो मार्क्स 3 पे मेरा इंडेक्स, मार्क्स 3 पे मेरे पास वैल्यू कितनी है? 7. तो मेरा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? 7. इस तरीके से आपको वैल्यू को क्या करना है, एक्सेस. ये ऑलरेडी हमने इनिशियलाइज करना भी देखा था. तो अगर हमें इस तरीके से करना है तो देन हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. आई होप ये क्लियर होगा कैसे हमने इनिशियलाइज किया और कैसे हमने एक्सेस किया. तो अगर मुझे इनपुट एंड आउटपुट एरे एलिमेंट को किस तरीके से अगर मुझे एंटर करवाना है देन यूजर से डलवानी है तो हम स्कैनअप यूज़ करेंगे. हमें जिस तरीके से वैल्यू डलवानी किसी के भी, हम स्कैनअप करके परसेंटेज एम परसेंटेज के साथ मार्क्स 2 पे क्या कर सकते हैं, तो वो हम जो वैल्यू डलवाएंगे वो उस तरीके से चलेगा. तो अगर मुझे इस तरीके से अगर हमने मार्क्स, हमने कहा ना टेक इनपुट एंड स्टोर, ये अगर हमने आई माइनस 1 मतलब कौन से इंडेक्स पे जाएगी, हम इसमें से क्या कर रहे हैं, जो भी मेरे आई की है उसके लास्ट इंडेक्स पे हम माइनस 1 तक ले जाके जा रहे हैं. तो यहाँ पे आप वैल्यू को इंडिविजुअल भी प्रिंट कर सकते हो. प्रिंट एफ मार्क्स 0, 1, 2, लास्ट हमने आई माइनस 1. अब इसको शायद यहाँ भी क्लियर होगा. अभी आपको मैं पॉइंट क्लियर करती हूँ किस तरीके से हम वैल्यू को इनिशियलाइज कराते हैं, किस तरीके से हम रन कराते हैं. सबसे पहले हमने क्या करा है कि एक इंटीजर ए नाम का एक एरे ले रखा है. दोनों तरीके से करूँगी, विदाउट इन, विद इनिशियलाइज एंड विदाउट इनिशियलाइज. अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे फिलहाल कमेंट में डाल रही हूँ, यहाँ पे हमने यूजर से लिया हुआ है पहले इसमें. मैंने क्या करा है कि यहाँ पे मैंने वैल्यू को पहले ही इनिशियलाइज कर दिया, देन मैंने इनिशियलाइज किया तो ये ब्रैकेट मैंने लिया 10, 20, 30, 40, 50. तो अगर आप यहाँ पे साइज आपकी मर्जी, आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो आप मत दीजिए. देन ये गया यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50. इट मीन्स यहाँ पे हमने कितने वैल्यू डलवाई है, 5. तो ये अपने आप इसका साइज एरे ले लेगा. अब मैंने क्या करा, एक एरे को यहाँ पे एक इंट नाम से एक वेरिएबल लिया, ए नाम का एरे बनाया, इसका डाटा टाइप दिया ए, इसमें वैल्यू क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया. अब मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो कैसे एक्सेस करूँगी? तो हमें सबसे पहले हमें एक लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे पर्टिकुलर एक वैल्यू देखनी है तो हम विदाउट लूप करेंगे. बट मैं सारी ही वैल्यू एक्सेस करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सारी वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे एक लूप लेना पड़ेगा. ये किस तरीके से काम करेगा, आई इक्वल टू 1, लाइक आई की वैल्यू कितनी है, 1. आई मेरा किससे छोटा है, 5 से. तो 1 इक्वल टू 5, हमने यहाँ पे क्या करा, प्रेजेंट ए आई, तो 1 a 1 a 1, क्योंकि एरे 1 से स्टार्ट नहीं होता, एक तो आपको यहाँ रखना है एरे स्टार्ट होता है 0 से. तो आई की वैल्यू कितनी है, 0. 0 मेरा किससे, 5 से छोटा है, लेस देन है. तो हम ये अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ए 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स में वैल्यू कितनी है, 10. ये आपको क्या आउटपुट देगा, 10. फिर दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आई इंक्रीमेंट कर रहे हो, आई की वैल्यू हो गई है 1 1 1, मेरा 5 से छोटा है, हाँ छोटा है. देन ए 1 की वैल्यू कितनी देगा, 20. फिर इस तरीके से आई कितना हो जाएगा, 2, तो कितना देगा, 30. फिर आई कितना हो गया, 4, ए 4 पे कितनी है, 40. आई कितना हो जाएगा, 5. कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, मेरी कंडीशन जैसे आई 5 दिया, मेरा ये क्या हो रही है, कंडीशन यहाँ से ट्रू नहीं हो रही है. तो ये ए 5 की वैल्यू क्या देगा, ये सिर्फ देगा आपको ए 4 तक, आपको ए 5 की वैल्यू ये नहीं देगा. रन करते हैं. ओके, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर नहीं करा है आई को. कितना आया, 10, 20, 30, 40 एंड 50. किस तरीके से आया, क्योंकि हमने कहा 0, 0 पे ये दे दिया उसने, आई 1,
I2, I3 एंड I4, I5 क्योंकि जैसे फिफ्थ हुआ क्योंकि फिफ्थ में हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर नहीं है. अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ एक 60, क्या ये 60 प्रिंट होगा? ये 60 प्रिंट नहीं होगा, ओके, क्योंकि मैंने ये लूप कहाँ तक चलाया है? मैंने चलाया है I5 तक. ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स, ठीक है, 0 इंडेक्स, 1, 2, 3, 4, 5, बट ये वैल्यू 60 ये नहीं देगा, क्योंकि 0 से लेके ये हमारे पास कहाँ पे गया है? ऐसे 5th आया, इसने क्या हो गया यहाँ पे, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इसने 60 प्रिंट नहीं किया. अगर मैं चाहती हूँ मुझे 5th वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वल लिखना होगा. देन अब इसे रन करेंगे. हम आपका ये 60 प्रिंट हो गया. तो आपको ध्यान रखना है, आपको जितनी ऊपर जितना आपने नहीं स्लैश किया, अगर आप पूरी वैल्यू एक्सेस करें तो आपको लूप में उतनी ही इंडेक्स नंबर तक आपको लेके जाना पड़ेगा. तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है, तो हम एरे को यूजर से या तो एंटर करवा सकते हैं वैल्यू, या फिर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं. बट इनिशियलाइज में आप यूजर डाल, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि वैल्यू ये सिर्फ इनिशियलाइज कर दिया. अब मुझे यही प्रोग्राम इनिशियलाइज नहीं करना, अब मुझे करना है विदाउट इनिशियलाइज प्रोग्राम. तो किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे हमें ये नहीं देना, बट अब यहाँ पे हमें साइज देना होगा. मैं चलवाना चाहती हूँ 5 वैल्यू देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये करा, तो हमारी कितनी वैल्यू इसमें एंटर हो सकती है, 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं 5. तो अगर हमें ये इसको हम हटा देते हैं, तो 0 से स्टार्ट किया 5 तक जाएगा. और अब हमें यूजर से डलवानी है, तो हमें इसके लिए भी क्या चाहिए, लूप चाहिए. यहाँ पे हमें क्या करना है, आई इक्वल टू 0, हमने कितने एरे का साइज कितना ले रखा है, 5, तो 5 से यहाँ से स्टार्ट किया, आई की वैल्यू कितनी है, 0, 0 मेरा 5 से लेस देन है, हाँ लेस देन है. स्कैन एफ करना है हमें, ए 0 इंडेक्स वैल्यू जाएगी, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, एंड लास्ट में आई कितना हो जाएगा, 5, कंडीशन क्या हो गई, 4, तो मई पे क्या हो जाएगा, स्टॉप. फिर आपने जो वैल्यू डाली है उनको हमने अब क्या करा है, स्कैन एफ से हम एंटर कर रहे हैं, प्रिंट एफ से वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं. तो उसी जो आपने वैल्यू डालोगे ये उतनी वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा. रन करते हैं. हमने जो वैल्यू डाली है ये आ गया 10, 20, 30, 40, 90. इस तरीके से हमने वैल्यू को क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है. तो हमने दोनों तरीके से एरे को रन करके देख लिया है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा.